वाला मांस मैंने खुद घर में बनाया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और ये पहन के दिखाने के पीछे का कारण यही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रबर मैंने साइड साइड में लगाया है, और ये जो है ये कोई दिख रहा है, इसमें आसानी से हम लोग सांस ले सकते हैं। और ये जो कपड़ा है, बैग जो आता है, जो कैरी बैग, मैं आपको दिखाती हूँ, उसी कपड़े से मैंने बनाया है। ये आप लोग सबके घर में ये चीज़ आपको मिल ही जाएगा। ये बैग है, इसमें कुछ सामान आया था, और यहीं से हल्का सा कट करके मैंने बनाया है। वाइट वाला पोर्शन मैंने ले लिया है, और ये सब तो प्रिंटेड है, तो इसको तो लूँगी तो जोकर जैसे लगूँगी, उसी से मैंने बनाया है। और एक ये भी मेरे पास कैरी बैग था, एक इस टाइप का, ये मैंने कट कर लिया है। ये ऐसे टांगने वाला था, नीचे का पोर्शन कट करके मैंने मास्क बनाया है। सो मैं आपको थोड़ा सा उसका दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि कैसे कर मैंने बनाया है। बहुत ही मोमो मेरी चिल्ला रही है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप घर में जब चाहे तब बना सकते हैं। मोमो भी खुश है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, वही इसलिए बाहर। तो मैंने अपना जो है वो ये वाला मास्क मैंने पहन लिया है, और ग्रीन वाला मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा है। और ये इस टाइप से, एक्चुअली ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, दिख रहा है मुँह के साइज से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे। तो इसको मैं क्या करूँगी कि हल्का सा कट कर दूँगी, कट करके इसको मैं फिर से बना लूँगी। और इसका प्रोसेस क्या है जस्ट मैंने आपको मैं दिखाऊंगी। तो फिलहाल तो मैं अभी चलती हूँ, मुझे जहाँ जाना है वहाँ आती हूँ, फिर मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो डेली रूटीन मेरा है, जैसे मैं करती हूँ, क्योंकि मैं तो ब्लॉग बनाती हूँ, ये सब तो ऐसा कुछ बनाती नहीं हूँ। लेकिन मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं मास्क बनाऊँ, तो बाबू बहुत मेरी छोटी है ना, जब भी मैं मशीन के पास जाती हूँ तो फिर वो वहीं पे खड़ी हो जाती है, डर लगता है कि कहीं वो सुई जो है वो उसके हाथ में ना चला जाए। और कितना भी बच्चों को मना कीजिए लेकिन फिर भी वो वही काम करेगा जो उसको मतलब करना है। तो थोड़ा देर के लिए वो बाहर गई ऊपर में, तो फिर मैंने ये बनाया, और उसके बाद सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए, बिना पैसे खर्च किए ये चीज़ें, मैं ये वाली जो पैकेट है मैं बहुत दिन से रखी हुई थी, मतलब कोरोना काल से ही, कि प्लेन है इसलिए तो मैं बनाऊंगी। कॉटन का भी लोग बना सकते हैं, तो आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिखा रही हूँ आपको, ये एक कैरी बैग है, जो सामान अभी मैं इसको आयरन कर दूंगी अच्छा से। ये एकदम प्लेन है इसलिए मैंने इसको लिया है, और एक इस टाइप का भी है। ये इसमें से जो डिज़ाइन बनाया हुआ है उस कपड़े को छोड़ के, और मैं प्लेन वाला वाइट जो है वो निकालूंगी, और मैं इससे मास्क बनाऊंगी। हालांकि कॉटन कपड़े से बनाते हैं, पर मुझे जब मैं एक दो मास्क मेरे पास है ख़रीदा हुआ जो इस कपड़े का था, इस टाइप के, जो कि मतलब सांस लेने में थोड़ा सा आसानी होगा, तो मैं कॉटन का नहीं बना के मैं इसका घर में मास्क बना रही हूँ, जो अभी बहुत ज़रूरी है, काम में आएगा। और ख़रीदा हुआ जो है वो भी है, तो मैं इसका बनाती हूँ पहले मास्क। इसमें आराम से चार निकल जाएंगे, पर मैं अभी फ़िलहाल दो बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल से बन जाएगा मास्क, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है सब। इसको मैं क्या करूँगी ना, एक फोल्ड ऐसे लूँगी अपने हिसाब से बराबर सा, एक फोल्ड ऐसे, ये दो हुआ, एक और लूँगी ताकि हम लोग अच्छा से आ सके। ऐसे तीन फोल्ड मैंने कर दिया है इसको, इतना इतना मुझे चाहिए मास्क बनाने के लिए।
इतना जो हमारे मुंह को अच्छे से ढक ले ये कपड़ा। और फिर ये साइड वाला मैं कट कर दे रही हूँ। इसके लिए मैं कोई मेजरमेंट नहीं है, मैं अपने अंदाज से इसको अपना बना रही हूँ। क्योंकि ये वाला खुला है इसको मैं यहाँ से सिल दूंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से मेरा मार्क से बन के तैयार हो जाएगा। और मैंने काट के ये छोटे ऐसे और इसी तरीके से इसको भी ऐसे मैं लगा दूंगी और ये मेरा मार्क्स बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ से स्टिच सिलाई जो है मशीन से आप आराम से इसको कर सकते हैं। मैं अभी आपको करके थोड़ी देर में दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मैं दिखा रही हूँ इसको सिलाई करके। सुंदर लगेगा। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं अभी क्या कर रही हूँ, मेरे पास मूढ़ी है, गई थी कि झाल मूढ़ी बनाऊंगी पर चना चूर ख़त्म हो गया है तो क्या करूं, ऐसे तो अच्छा लगेगा नहीं। इसको मैं क्या करूंगी, मेरे पास मूंगफली भी है, थोड़ा सा कढ़ाही में तेल डाल के और हल्का हल्का इसको, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी, फ्राई नहीं करूंगी, हल्का कुरकुरा जैसा बना दूंगी और नमक डाल के बहुत अच्छा लगेगा खाने में। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखना। तो चलिए यहाँ पे ना कभी कभी खुला ही मिल जाता है तो ले लेती हूँ और रखती हूँ क्योंकि कभी कभी पोहा वोहा बनाती हूँ या फिर चूरा वूरा भूनती हूँ तो मूंगफली तो चाहिए ही। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... जो मैंने बनाया था और चाय, शाम के 6 हो रहे हैं तो कुछ नमकीन तो चाहिए, चाय के साथ अच्छा लगता है खाने में, आप लोग भी ट्राई करना। अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, भूख भी लगा था तो मैंने सोचा पहले खा लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। मूढ़ी को ना भून देने से वो क्या होता है, ऐसा कुरकुरा जैसा हो जाता है ना, बहुत लोग उसमें चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर ये सब डालते हैं, पर मुझे भी अच्छा लगता है पर मैं किसकी वजह से नहीं डालती हूँ उनको। चाट मसाला मेरे पास है नहीं, लाल मिर्च पाउडर डालूँगी तो फिर बोलेंगे कि लाल मिर्च पाउडर, तो इसलिए वो सब डाल के कभी बना के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। चना चूर नहीं है तो क्या हुआ, हम हाउस वाइफ है ना, जो रहता है उसी में खूब अच्छा से बना लेते हैं।
ओके सब्जी करेंगे फ्रेंड्स। मैंने अभी अभी आलू और पालक का सब्जी बनाया और रोटी बनाने जा रही हूँ और मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे डी एंड कर रही हूँ। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और घर में मास्क बनाने के लिए एक लाइक तो बनता है, सो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स भी करते हैं, मुझे जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।